हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशा माई स्टूडियो। मेरा नाम है राजेश और ये है मेरे साथ सुनील। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो सुनील जी, आज हमें एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं जो हमेशा से लोगों की पसंद बना रहा है। दो सालों से वो एकदम हिट रहा है प्रोडक्ट। प्राइस रेंज भी उसकी बहुत अच्छी है। 600 वाट में ये साउंड बार है, टॉल बॉय स्पीकर के साथ में आता है। इसमें सारे फीचर्स हैं, NFC, ब्लूटूथ और आपको जो है ARC, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और प्राइस भी बहुत अच्छा है इसका। अभी हालांकि प्राइस इसके थोड़े से बढ़ गए हैं 6 महीने पहले, लेकिन ये आपको अगर कभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रोडक्ट लें क्या नहीं लें, और आपको ये नहीं मालूम है कि ज़्यादा आपका बजट भी अगर नहीं है, तो आप एक बहुत ही शानदार चीज़ जो है, एक बहुत ही कम बजट में, कम पैसे में आप घर ले जा सकते हैं। और इसको हम लोग आज अनबॉक्स करेंगे और उसको टेबल टॉप करेंगे। टेबल टॉप करके आपको बताएंगे कि नामदेव जी धीरे धीरे उसमें टेबल टॉप करते जाएंगे और आपको एक एक करके फीचर्स भी बताते जाएंगे, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट में, इस मॉडल में क्या है क्या नहीं है। सोनी का RT40 मॉडल है ये। दोस्तों, अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। और नामदेव जी बहुत मेहनत करके ये सब वीडियो लाते हैं आपके लिए, और हम चाहते हैं कि इसी तरह से हमारा मन लगा रहे। लाइक ज़रूर कर दें, एक लाइक तो बनता है हमें। तो दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं सोनी का होम थिएटर ST RT40 का अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं आपको। तो आप पन पहले लिटा लेते हैं, फिर इसको ऐसे काटते हैं अपन। यहाँ से ऐसे काटा आपने, ये देखिए इस तरह आप काट लीजिए। ये देखिए इस तरह इसको भी ऐसे खोल लेते हैं यहाँ से साइड से। ये ऐसे ओपन हो गया, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इतनी ज़बरदस्त की है कंपनी ने। ये दिखाते हैं आपको इसका पैकिंग कितना बहुत ही अच्छा। ये ऐसे आप निकाल सकते हैं इसको। फिर इसको देखिए, ये इस पर स्पीकर हैं, स्पीकर दिए हुए हैं। ये अपन निकाल लेते हैं, इसको भी साइड में से रख लेते हैं। और इस ये स्पीकर ऐसे काटते हैं यहाँ से, ये निकल गया। ये देखिए ये स्पीकर हमने निकाल लिए हैं। ये देख सकते हैं इसका, ये देखिए इसका ये साउंड बार हो गया। ये तीन स्पीकर इस पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसका केबल हो गया, साउंड बार है ये देखिए। ठीक है, चलिए इसको दिखाते हैं दूसरा। ये इसके स्पीकर दिया हुआ, ये ठीक है, देख सकते हैं आप। ये इसका रियर स्पीकर दिया हुआ है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड का है ये, हम देख सकते हैं इसको। कब ये देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम लुक दिया कंपनी ने इसमें। देखिए हैंग भी कर सकते हैं, पोर्ट दिया हुआ हैंग करने के लिए इस पर। राइट साइड का आप देख सकते हैं, ये राइट लिखा हुआ है यहाँ पे। ये राइट सराउंड है, राइट साइड। ये देखिए यहाँ रख देते हैं इसको भी, यहाँ रख दिया अपन ने। अब आप देख सकते हैं ये दो रियर स्पीकर हैं जो अपन पीछे भी लगा सकते हैं। और ये इसका साउंड बार हो गया।
ये आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, इसको भी हटाते हैं अपन। ये इसमें मैनुअल दिया हुआ है, इस पर ये ARC दिया है, इस पर केबल दिए हैं, ये आपका रिमोट हो गया और दो सेल भी दिए हैं, ये स्क्रू हैं। देखिए दोस्तों इसके स्टैंड हैं, आप देख सकते हैं, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ऐसे अपन इसको खोलेंगे, ये देख सकते हैं, ये इसका स्टैंड हो गया, ऐसे नीचे लग जाएगा ये फ्रंट में, एक ये हो गया, दोनों स्पीकर के लिए हैं, आप देख सकते हैं, ये हो गया। अब आइए हम आपको स्टैंड इसका कैसे लगाते हैं ये बताते हैं आपको। स्टैंड इसमें आपको स्क्रू दिए हैं, स्क्रू निकाल लेते हैं इससे, जो ये स्क्रू दिए हैं ये निकाल लिया अपन ने स्क्रू, इस निकाल लेते हैं। ये अपन को इस तरह से लेना है, ये केबल है काफ़ी लंबा, इसमें वायर दिया हुआ है कंपनी ने, इसको खोलते हैं अपन। तो इस तरह अपन ने वायर इसका पूरा ओपन कर लिया है, ये देखिए आप, पूरा बहुत काफ़ी लंबा वायर दिया हुआ है। इस पर प्लेट लगाते हैं, ठीक है, देखिए प्लेट इस तरह आप ऐसे इसको डालेंगे ऐसे पीछे से, ये अपन पूरा बाहर प्लेट इसको वायर कर लेंगे। बहुत ही आसान है, आप भी कर सकते हैं, और हम बताना चाहते हैं इस तरह से आप अपने यहाँ इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। आप जैसे कहीं बाहर गए, ट्रांसफ़र हुआ, आप आसानी से बहुत ही इजीली है लगा सकते हैं और इसको निकाल भी सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह आप पीछे कर लेंगे, ये फ्रंट दिया हुआ है, ये फ्रंट है और ये बैक साइड है, तो बैक में ये आप ऐसे इस तरह लगा लिया, इस पर सेट हो जाएगा, इस तरह सेट हो गया। अब आप इसको स्क्रू से कस दीजिए, स्क्रू लीजिए, 4 स्क्रू कंपनी ने दिए हैं इस पर, ये ऐसे लगा देते हैं अपन। आप लोग भी कर सकते हैं जैसा मैं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह अपन इसको टाइट कर लेते हैं, स्क्रू वायर जो है इस तरह से इसमें फंसा दीजिए, ताकि ये क्लिप बनी हुई लगी हुई है वायर, क्या कि कटे ना। आपने ऐसे लगा दिया, इस तरह आप लगा सकते हैं, इसे घुमा दीजिए और ये आपका वायर सेफ्टी रहेगा, कटेगा नहीं। तो ये हो गया आपका, देखिए एक स्पीकर आपका रियर स्पीकर कंप्लीट हो गया, ये राइट साइड का है, ये कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह आपको सेकंड लेफ्ट वाला भी उसी तरह कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। पॉज करते हैं, तो दोस्तों देखिए सेम जैसे पहला अपन ने किया है, ऐसे ही दूसरा इसको भी स्पीकर को कर लेना है। वायर पूरा खींच लीजिए इस तरह, आप इसको भी देखिए, ये भी कंप्लीट हो गया आपका, लेफ्ट और राइट दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये इस तरह रख लीजिए, साथ साइड में ही रख देते हैं इसको भी। अब अपन करते हैं इसको, इसका जो बेस है अपन बेस देख लेते हैं, इस पर क्या दिया हुआ है बेस पे, प्रीमियम लुक दिया कंपनी ने। ये मैं भी आज पहली बार ही इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए इसका बेस, ग्लॉसी फिनिशिंग, और इस पर 8 इंच का स्पीकर दिया हुआ है ना, ऐसे देख सकते हैं आप, इसके फीचर्स पीछे दिए हुए हैं, हम आपको अभी डिटेल से बताएंगे, ठीक है। चलो तो आइए दोस्तों, ये देख सकते हैं साउंड बार है, ये टीवी के साथ
यहाँ नीचे टीवी के साथ हैंग कर सकते हैं इसको। ऐसे इसका वायर अपन ओपन कर लेते हैं। और वॉल माउंट भी हमारा तो टीवी वॉल टेबल टॉप है, तो इसको नीचे ऐसे लगा दी हमने। अब वॉल माउंट टीवी का है ना, तो उसके नीचे भी लगा सकते हैं आप। ऐसे इस तरह लगा लेना है। इस पे देख सकते हैं आप, ये वॉल माउंट के लिए क्लिप दिया हुआ है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो आप दीवार में हैंग कर सकते हैं इसको। ये ऐसे बाकी सर्विस सेंटर वाला भी आता है, वो सेट कर देता है, लेकिन आप अपने से भी कर सकते हैं इस तरह। और ये जो स्पीकर है ये दिया हुआ है, ये हमने वायर इसके कंप्लीट कर लिए, ये स्टैंड कंप्लीट कर लिए इसका। ये राइट साइड का है, तो अपन ऐसे लगा सकते, यहाँ पे रख देते हैं इसको। अगर आप तो दोस्तों आपने देखा हमारा सेटअप ये पूरा हो गया है। ये दो स्पीकर रियर स्पीकर हैं, आप टेबल टॉप भी कर सकते हैं और वॉल माउंट भी कर सकते हैं। ये पूरा सेट हो गया, ये आप देख सकते हैं साउंड बार सेट हो गया। अब इसको सेट कैसे करना ये आपको बताते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं पोर्ट दिए हुए हैं, ये FM के लिए दिया हुआ है, एंटीना FM का भी इसमें वायर मिलेगा, वो लगा सकते हैं। ये ARC का पोर्ट दिया हुआ, आप देख सकते हैं ये ARC हो गया। इस पर ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल इसमें लगा सकते हैं। और ये ऑक्स के लिए दिया हुआ है, मतलब तीन वाई कलर आपको सेट कर देना है। ये साउंड बार हो जाएगा, ये सेट हो गया, और इसमें वाइट में वाइट लगा दीजिए। ये है चलो, ये आप देख सकते हैं यहाँ ARC ऐसे लगा दीजिए, और एक ARC पोर्ट आप अपने टीवी पे लगा दीजिए, टीवी पे ARC। ये हो गया सेटअप ARC। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो स्पीकर हैं रियर स्पीकर हैं, हमने अभी ये हमारा क्योंकि शोरूम है तो हमने अभी सामने ही रखा हुआ है। आप इसको चाहें तो पीछे लगा सकते हैं, सर्विस सेंटर वाले आते वो सेट कर देते हैं। ये वॉल में भी आप लगा सकते हैं और टेबल टॉप में भी। अपने सेल लगा दी हमने और ये चालू हो जाएगा। देखिए ये चालू हो गया, आप देख सकते हैं हमारा सेटअप कम्प्लीट हो चुका है। अब हम आपको मैन्युअली ये दिया हुआ है टच स्क्रीन पे, ये पावर का बटन हो गया, इनपुट है आपका, आप इनपुट पे जाएंगे, USB चलाना, पेन ड्राइव आपको टीवी में टीवी से आपका कनेक्ट करना है, या ऑक्स से या ARC से, तो इस पे आप जाएंगे कनेक्ट हो जाएगा। ये ब्लूटूथ के लिए दिया है, पेयर करने के लिए ब्लूटूथ का भी फंक्शन है। और सबसे बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है इस पे NFC का, आप NFC देख सकते हैं, बहुत ही कम होम थिएटर में NFC देखने को मिलता है। और ये प्लस माइनस वॉल्यूम के लिए हो गया, ठीक है। और ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, पूरा हमने सेट कर लिया है। और इसका जो MRP है वो भी बता देते हैं आपको, 29,990 MRP है कंपनी ने रखा। जो अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हौसला बढ़ाएं हम लोगों का, ताकि हम आगे से नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा कर सकें। और अगर कोई गलतियां कर रहे हैं तो उसको कमेंट करके आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख के बता सकते हैं, हम उसको निश्चित ही सुधारेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।